छत्तीसगढ़ की युवा आईपीएस अंकिता शर्मा सुर्खियों में चल रही हैं। आईपीएस अंकिता शर्मा आजाद चौक थाने में सीएसपी के पद पर हैं। अंकिता शर्मा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ ही युवाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। आईपीएस अंकिता शर्मा यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं से हर रविवार को मुलाकात करती हैं। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक अंकिता शर्मा युवाओं की समस्याओं का समाधान करती हैं। आईपीएस अंकिता शर्मा से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से छात्र आते हैं और थाने में 2 घंटे की क्लास में शामिल होते हैं। आईपीएस अंकिता शर्मा का कहना है कि उनका उद्देश्य प्रतियोगी बच्चों की मदद करना है। आपको बता दें कि आईपीएस अंकिता शर्मा दुर्ग के विद्युत नगर की रहने वाली है, जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए साल 2018 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और अब लगातार मेहनत करते हुए पुलिस विभाग में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे एनसीएसपी कुतवाली मेरे पोस्टिंग हुई थी और बाद में एनसीएसपी आजाद चौक, तो मेरे पास काफी सारे बच्चे इंडिविजुअल लेवल पे आके क्वेरीज करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीक में एक पर्टिकुलर डे का स्लॉट, जो कि संडे है, क्योंकि मुझे मेरा ऑफिस स्टाफ नहीं आता, तो मैंने वो पूरी तरीके से इनके लिए डेडिकेट कर दिया। और मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से इंस्टाग्राम और फेसबुक उसमें एक पोस्ट डाला था कि मैं एवरी संडे 11 to 1 अपने कार्यालय में, जो कि आजाद चौक सीएसपी का कार्यालय है, वहाँ पे बच्चों को गाइड करूंगी। तो उसको मैंने वायरल किया था अपने पोस्ट के माध्यम से और उसी से बच्चे हमारे पास आए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानती हूँ, जो क्लियर किया हो, वो मुझे गाइड करता तो मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद उन बच्चों को गाइड करूँ जिनके पास ये गाइडेंस के लिए कोई है नहीं। और सेकेंड बात ये है कि हमारे यूपीएससी में सीजी से थोड़े कम सिलेक्शन होते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इस बात को भी प्रॉब्लम में है कि लोगों के पास उसकी जानकारी नहीं होती। तो ताकि मैं एक वो मीडियम बन जाऊं और वो बेसिक्स जो मिस्टेक्स हैं वो उनसे ना हो और सिलेक्शन का रेट भी बढ़े हमारे स्टेट में। अभी मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू कर रहा था, तो उस फेज में मैं अंकिता मैम जो है वो जो अभी बहुत बड़ी मोटिवेशन है सबके लिए, तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था, अपना डाउट लेके आया था। तो मैम ने कुछ सेशन लिए, कुछ बताए, अपने बारे में बताए, अपने उनके प्रिपरेशन कैसे थी, स्ट्रेटेजी थी, तो कुछ बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिला। और जैसा मैडम अंकिता मैम यहाँ पर मोटिवेशनल क्लास दे रही है, अगर इसी तरीके से लोग मोटिवेशनल क्लास दें तो यहाँ के स्टूडेंट बहुत जल्दी आगे आएंगे और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में यहाँ का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़ेगा। हमारी मैडम अंकिता शर्मा जी एक अच्छी पहल की हैं, जिन्होंने गरीब या जो जरूरतमंद लोगों के लिए हैं। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।